एमसीडी चुनावों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस सीन से गायब नजर आ रही है। हालांकि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। एमसीडी की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। इस चुनाव में 250 वार्ड में कुल 1339 उम्मीदवार मैदान में हैं। दिल्ली एमसीडी पर पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। वोटों की गिनती के लिए चुनाव आयोग ने कुल 42 मतगणना केंद्र बनाए हैं। मतगणना केंद्र के लिए 67 चुनाव पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की गई है। वोटों की गिनती रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उम्मीदवारों की मौजूदगी में या उनके प्रतिनिधियों के सामने की जा रही है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने ECIL के 136 इंजीनियरों को भी तैनात किया है। इन मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इनमें सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों की ही एंट्री होगी। बता दें कि एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी का शासन है, और अब इसी बीच दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणामों की घोषणा से पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी के लिए भारी जीत का दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा, यह जनादेश दिल्ली से पूरे देश को एक संकेत होगा कि आप एक बहुत ही ईमानदार पार्टी है। भाजपा ने मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाए, सत्येंद्र जैन के खिलाफ विच हट चलाया, लेकिन दिल्ली के लोगों ने अपने जनादेश से साबित कर दिया है कि दिल्ली में कोई घोटाला नहीं हुआ और मेरे पर भाजपा द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे, साजिश और गंदी राजनीति से प्रेरित थे। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, दिल्ली की जनता भाजपा के झूठ, साजिश और बेईमानी को खारिज करेगी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और काम पर आधारित राजनीति को चुनेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी ने एमसीडी चुनावों के लिए आपके खिलाफ प्रचार करने के लिए अपने कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को शामिल भी किया है, लेकिन जनता इसके झांसे में नहीं आएगी और बीजेपी की बेईमानी की राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर देगी। तो अब देखना ये होगा कि रिजल्ट में आखिर क्या सामने आता है, क्या केजरीवाल अपनी सरकार बना पाएंगे। लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए यूबी इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।